हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने किसी भी वीडियो को प्ले इट ऐप पर प्राइवेसी फोल्डर में छुपाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं प्ले इट ऐप पर वीडियो को प्राइवेसी फोल्डर में छिपाने का तरीका बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, प्ले इट ऐप पर किसी वीडियो को प्राइवेसी फोल्डर में छुपाने के लिए सबसे पहले प्ले इट ऐप को ओपन करें। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करें। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप नीचे की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नजर आ रहे मी वाले ऑप्शन यानी कि प्रोफाइल आइकॉन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले 4 अंक का पासवर्ड क्रिएट कर ले। तो चलिए पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऊपर की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नजर आ रहे 3 डॉट पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक ऑप्शन आएगा सेट पासवर्ड का, तो इस पर ही क्लिक कर दे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आप अपने अनुसार 4 अंक का पिन डालें। तो चलिए डाल देते हैं। फिर से दोबारा कन्फर्म करने के लिए वही पिन डालें। कन्फर्म करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आप नीचे की ओर नजर आ रहे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर वीडियो को छुपाने के लिए नीचे की ओर राइट साइड में कॉर्नर के पास नजर आ रहे प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से बहुत सारे वीडियो का फाइल आ जाएगा। अब आप इनमें से जिस भी फाइल में से वीडियो को छुपाना चाहते हैं उस फाइल के ऊपर क्लिक करें। तो चलिए मैं DCIM फाइल में से वीडियो को छुपाना चाहता हूँ, तो इस पर ही क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप जिस वीडियो को आप प्राइवेसी फोल्डर में छुपाना चाहते हैं उस वीडियो के ठीक बगल में लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे बॉक्स पर क्लिक करके आप टिक लगा दें। इस तरह से टिक लगाने के बाद अब आप नीचे की ओर नज़र आ रहे मूव इनटू प्राइवेसी फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब वीडियो यहाँ पर आ चुका है, दे सकते हैं। अब यहाँ पर नहीं दिखाई देगा वो वीडियो, तो इसे दोबारा से ओपन करने के लिए फिर से प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जिस पिन को यहाँ पर सेट कर रखा है उस पिन को यहाँ पर एंटर करें, यानी कि डाल दें। यहाँ पर डालने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। अब आप वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं, छुपे हुए वीडियो को। सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी अपने किसी भी प्राइवेट वीडियो को आप प्राइवेसी फोल्डर में छुपा सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।